जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शोभा हार्टलैंड में और ये शोभा हार्टलैंड का एक्सपीरियंस स्टूडियो है। मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे इन्होंने कैसे अपनी क्वालिटी को मेंटेन करते हैं और कैसे इनके जो सीईओ हैं, जो अभिनंदन साहब हैं, वो कैसे इस क्वालिटी को जो है वो आगे डिलीवर करते हैं अपने कस्टमर्स को। और आपको मैं बताऊंगा कि कितनी अच्छी क्वालिटी और कितने अच्छे मटेरियल ये यूज़ कर रहे हैं। इसीलिए जो इनकी जो 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 यूएसपी है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है, वो ये है कि इन्होंने बेस्ट क्वालिटी देनी है इन बेस्ट प्राइस। तो हम इस वक्त मौजूद हैं इनके स्टूडियो में। तो मैं आपको बताऊँगा, फर्स्ट हम यहाँ से शुरू करते हैं। ओके हम यहाँ से शुरू करते हैं कि जो डोर आप जो देख रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी जो क्वालिटी है वो दिखाई बेहतरीन क्वालिटी है। इसका जो ग्लास है, आई थिंक इट्स 6 mm का इसका ग्लास है और इसकी बहुत ही अच्छी क्वालिटी फिनिशिंग आप देखें। और ये वो डोर है जो ओमान के जो प्रिंस थे, जो ओमान के जो रूलर थे, उनके लिए इन्होंने बनाया था। और सेम वैसी ही क्वालिटी, वैसी ही चीज़ इन्होंने यहाँ होगी। इनके जितने भी गिलास, जितने भी इनके अपार्टमेंट्स हैं, उसके अंदर ये लोग वो सेम यही वाला दरवाजा लगा के दे रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक इनके सीईओ हैं मीनन साहब, और इन्होंने जो शुरुआत की थी इस जर्नी की, वो शुरू की थी 1976 से। तो यहाँ से शुरू किया, उसके बाद ये दुबई शिफ्ट हुए 2003 में। ये दुबई शिफ्ट हुए, दुबई से इन्होंने सबसे पहला जो प्रोजेक्ट बनाया था वो 2014 में बनाया था। उसके बाद 2013 में और फिर 2018 में इन्होंने होम से इस तरीके से ये शुरू किया। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ। ये की है बैकवर्ड इंटीग्रेशन। बैकवर्ड इंटीग्रेशन मीन्स कि जो इनकी कंपनी जहाँ जिधर है, तो इनके जो सप्लायर्स होते हैं वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन, यानी कि उन्हें वो सप्लायर्स नहीं रखते बल्कि खुद ही अपनी चीज़ बनाते हैं। यानी कि फॉरवर्ड इंटीग्रेशन ये होती है कि जो उनके सेलर्स होते हैं, जो इनके जो उनके जहाँ पे ये चीज़ बेचते हैं, जो उनकी डीलरशिप होती है, वो इनकी खुद की होती है। तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन ये और किसी के पास नहीं है, ये सिर्फ इनके पास है। ये अपनी ही चीज़ें खुद बनाते हैं, अपना मटेरियल यूज़ करते हैं। इनके जितनी भी फिक्सचर्स एंड फर्नीचर्स होते हैं वो उनकी खुद की मेक होते हैं। इनकी जितनी भी पाइपलाइंस होती हैं, जितनी एमईपी के स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो सब कुछ ये लोग बनाते हैं और ये इसकी क्वालिटी को मेंटेन करते हैं। मैं आपको उसकी क्वालिटी फिजिकली अंदर जाके दिखाता हूँ। देखिए, ये इनकी वॉल है। ये जो वॉल है, आप देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये इन्होंने जो आयरन यूज़ किया है, सरिया जो यूज़ कर रहे हैं, वो देखें कितनी अच्छी क्वालिटी की सरिया इन्होंने यूज़ कर रहे हैं। इस सरिये के साथ ये इसकी वॉल है, जो कंक्रीट की वॉल है। और इस कंक्रीट की वॉल पर ये एक वॉल है, ये क्या करती है कि ये इसकी जो, क्योंकि आपको पता है कि दुबई जो है वो एक बहुत ही हीट वाला एरिया है, यहाँ पे टेम्परेचर 50 सेंटीग्रेड से भी ऊपर चला जाता है। तो ये क्या करते हैं कि इस वॉल को इस चीज़ से कवर करते हैं ताकि टेम्परेचर जो है वो इस तरफ अंदर की साइड ना आ सके, बाहर ही रहे। तो ये लोग ये वॉल यूज़ करते हैं। इसके साथ ये देखें, ये इस तरह की एक फाइबर है, ये फिर एक दोबारा से कॉन्क्रीट यूज़ किया है। आई गेस ये मेरे पीछे वैसे राणा है, राणा मुझे बताएंगे कि ये क्या चीज़ है। ये 7 लेयर्स बेसिकली यूज होती हैं। 7 लेयर्स यूज, हाँ जी। ये एक छोटी प्लास्टरिंग है, इसके ऊपर फिर से पीओपी आती है। ये 7 लेयर्स बेसिकली इसीलिए यूज हो रही हैं ताकि घर को वेदर से प्रूफ किया जा सके, बाहर की गर्मी जो है वो अंदर ना आए, इंसुलेट किया जा सके उसको। ये फिर उसके बाद यहाँ पे पेंट होता है, पेंट के बाद एक्सटर्नल, ये इसको कहते हैं एक्सटर्नल इंसुलेशन फसाद सिस्टम। अब आप यहाँ पे आ जाए तो ये डकिंग है, हाँ जी, ठीक है। पूल के लिए ये होता है कि ये लोग देखें इसकी, इसमें ये मटेरियल यूज करते हैं, ये प्लास्टिक है और प्लास्टिक के साथ और एक और क्या चीज़, वुड का कंपोनेंट है, वुड का कंपोनेंट है, ये यूज करते हैं ये लोग डकिंग में। दूसरा क्या है कि यहाँ पे अब आप देखें कि जितने भी अंदर जो सामान, जो जो अंदर एक्सेट्रा कोई भी काम करना होता है किसी ने, तो उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। यानी कि आप उनका काम चलता रहेगा, आपस में जो भी मेंटेनेंस होगी वो करते रहेंगे और इसमें किसी की डिस्टर्बेंस नहीं होगी रेजिडेंस को जो लोग तैयार हैं। पूल बंद नहीं करना पड़ेगा बेसिकली, पूल बंद नहीं करना पड़ेगा। ये वॉल देखें आप, ये सब हैंडमेड वॉल्स हैं, हैंडमेड कटिंग्स हैं। आप देख रहे होंगे कि इससे कितनी अच्छी फिनिशिंग, देखिए पीसेज इन्होंने हैंडमेड सारे काटे हुए, ये सारे पीसेज हैंडमेड हैं। और ये नीचे देखें आप, क्वालिटी देखें आप, कितनी अच्छी मेंटेन करें इनको, ये देखिए इस चीज़ से ये मेंटेन करता है। और ये एक लेयर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। तो ये आप लेयर्स देखें कि कितनी क्वालिटी को मेंटेन करते हैं। दूसरा ये कि ये जो ड्राई करेंगे, ये ठंडी है, मैं सिद्धार्थ लगाया हुआ हूँ, तो ये बहुत ही ठंडी है, इससे भी टेम्परेचर कंट्रोल होता है।
दूसरा ये वॉल है, वॉल के बाद बीच में गैप है, इस गैप के बाद ये रोने लगेगी जो कि लगभग ठंडी रहती है, इसका टेम्परेचर हमेशा ठंडा ही रहेगा, क्योंकि धूप में भी रखी जाएगी तो भी ठंडी रहेगी। इसके अंदर भी आप देखें कितनी सारी लेयर्स हैं। पहले ये इंटरनल वॉल है, इंटरनल वॉल में इन्होंने देखिए, उसके बाद फिर एक और लेयर आती है सीमेंट की, फिर एक और लेयर है दूसरी, और फिर एक पेंट की लेयर है, उसके बाद दोबारा से पेंट की लेयर है। तो तकरीबन एक दो तीन चार पाँच लेयर्स हैं वॉल की। यहाँ पे देखिए तो जाली का इस्तेमाल करते हैं ताकि इसमें क्रैक्स ना पड़े। ये जाली जब भी इस्तेमाल होती है, देख रहे होंगे आप जाली है, ये सब क्रैक्स को मेंटेन, क्रैक नहीं हो, ये हमें ये कोई भी इस तरह यहाँ पे यूज नहीं करते। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये फ्लोर है, फ्लोर में सबसे पहले ये वॉल है, ये जो आपकी जो फ्लोर की वॉल होती है वो है, यानी रूफ भी आप कह सकते हैं, ये नीचे वालों के लिए रूफ होगी, ऊपर वालों के लिए फ्लोर होगा, ये है। उसके बाद ये फैब्रिक का एक इन्होंने इस तरह का मटेरियल यूज़ करते हैं ताकि जो इसमें वाटर है वो लीक ना हो और दूसरी दीवार में कन्वर्ट ना हो। कहीं पे भी अगर किसी भी कोई लीकेज अगर हो, इम्पॉसिबल तो ऐसे नहीं होती, लेकिन अगर हो भी जाए तो उसको इससे कंट्रोल करते हैं। उसके बाद फिर दोबारा से एक लेयर है, और फिर दोबारा से ये देखें इस तरीके से ये उसके ऊपर टाइल्स लगाते हैं, टाइल से पहले एक लेयर और लगाते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे ये होता है कि ये अगर आप इसको बजाएंगे तो बजेंगी नहीं, आवाज़ नहीं आएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि बीच में कुछ जगह खाली रह जाती है तो आवाज़ आती है चलने में, इसमें आवाज़ आएगी बिल्कुल भी, तो चीज़ बजी चीज़ नीचे गिरती भी है तो टूटती नहीं है। अच्छा इसमें भी अगर आप देखें तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी इंटरनल वॉल है, इसमें भी यहाँ पर से पहले कंक्रीट है, पहले ब्लॉक्स लगेंगे, उसके बाद फिर दोबारा इसके ऊपर देखें प्लास्टर हुआ है, फिर दोबारा एक ये एक लेयर है वाइट, फिर दोबारा एक पेंट की लेयर है, फिर दोबारा इस तरह की मुझे तो नज़र आ रही है, या आपको कैमरे में नज़र आ रही है या नहीं मुझे नहीं पता, बट इट्स सेवन लेयर। फिर आप यहाँ पे आ जाए तो ये सीलिंग है, सीलिंग जो आपकी जो ऊपर की जो आपकी रूफ होती है, रूफ और उसके बीच में जगह होती है, इस तरीके से ये लोग ये इंटीरियर यूज़ करते हैं। बहुत अच्छा मटेरियल है, इसकी एमएम और उसकी गेज का साइज भी मैं आपको बता दूंगा, स्क्रीन पर आपको नजर आ जाएगा। लाइट्स हैं, लाइट का सिस्टम देखें कितना अच्छा है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी के यूज़ हुए हैं NVC, इसकी भी डिटेल में पॉसिबल हुआ तो मैं पिक्चर्स आपके उसमें बता दूँगा। और हम यहाँ जाते हैं, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बाथरूम की जो इनका जो फ्लोर ड्रेनेज सिस्टम है वो देखें कितना अच्छा है, कि यहाँ पे पहले आपकी जो रूफ है, रूफ के बाद फिर एक प्लास्टर हुआ है, फिर दोबारा से वही टाइल के नीचे जो इन्होंने उसको लगाया है ताकि इसमें साउंड प्रूफ रहे, एक वो चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि इसके अंदर जो पाइप्स हैं, इन पाइप्स के अंदर ये अच्छी क्वालिटी है कि ये कभी भी जो टेम्परेचर होता है ठंडी ठंड या गर्म, उसके अंदर ये इस टेम्परेचर से इसको इफेक्ट नहीं करता पानी को कि वो जम जाए या कुछ ऐसा कुछ हो जाए। तो अक्सर ऐसा होता है कि इसमें कहीं ऑयल चला गया ऐसा हो गया तो ये ब्लॉकेज हो जाती है, तो ब्लॉकेज नहीं होती क्यों, क्योंकि इनका सिस्टम ऐसा है कि जो चीज़ देखते हैं चली जाती है तो वापस आते में वो लॉक होती है, यानी कि इसमें लॉकिंग सिस्टम होता है जगह जगह पर, यहाँ पे लॉकिंग सिस्टम होता है कि अगर कुछ पानी चला गया तो इन केस अगर वो भर भी गया तो भरने के बाद उसमें एक लॉक होता है, उसको क्या कहते हैं मैं आपको बता दूंगा, तो वो लॉकिंग सिस्टम जो है ना उसमें इस बेयरिंग सिस्टम के अंदर होता है, तो कभी भी पानी ऊपर नहीं आएगा, पानी ऊपर कभी भी नहीं आएगा, नहीं पानी को अगर आप प्रेशर से ऊपर फेंकेंगे भी तो वो ऑटो लॉक हो जाता है कुछ उसके अंदर, वो उसको क्या कहते हैं मैं आपको भी बताऊंगा। इसके अंदर दूसरा ये टब है, टब के अंदर आप देखें कि इसमें नीचे एक टायर की ये जगह है जो मैंने छोड़ते हैं कि अगर कभी भी किसी किस्म की कोई इनको कोई काम करना पड़े कोई मेंटेनेंस हो तो उसके नीचे देखें एक एक्स्ट्रा टाइल्स भी रखी हुई कि अगर ये टूट जाए कुछ हो जाए तो आपको ये टाइल्स नहीं मिलेगी इसकी, जबकि अंदर एक्स्ट्रा यानी क्वालिटी जो है वो किस तरीके से मेंटेन करते हैं। अच्छा अब आप यहाँ पे हैं कि ये शावर एरिया जो है इसकी जो टाइल्स है नीचे वाले टाइल्स ये कुछ इस मटेरियल की यूज होती है कि उसके अंदर पानी नहीं ठहरता, अगर मैं इसमें पानी गिराऊंगा तो पानी इसके ऊपर ठहरेगा नहीं बल्कि वो ऑटोमेटिकली ड्रेन हो जाएगा, आपको वाइपर करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वालिटी की जो हर बेस्ट क्वालिटी यूज करते हैं, ये इसका सिक्योरिटी अराम देखा है तो As you can see, we have the water pipe. This is from cement.
ये है इसका सिक्योरिटी सिस्टम। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका नेटवर्क पैनल। नेटवर्क पैनल के अंदर देखेंगे जितने भी अच्छी पावर सप्लाई है, अगर आप इसको क्लोज करके दिखा सकें वैभव, तो बिल्कुल क्लोज करके दिखाएं कि इनकी क्वालिटी, इनकी आप देखें कि कितनी अच्छी वायर्स यूज हुई है। वायर्स वायर्स की जो जो उसकी थिकनेस है वो भी इसमें मेंशन हुई है सारी। ये देखें यहाँ पे, ये देखें ये सारे इसके सर्किट्स हैं, ब्रेकर्स हैं। ये ब्रेकर्स भी देखें आप कितनी, ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी की है। और इसकी तार है भी आप देखें सारी अच्छी, इस पर नंबर भी लिखे हुए हैं कि किस क्वालिटी की, किस गेज की तार है। मिनी मॉडल्स हैं, ये मिनी मॉडल जो है वो एसी के हैं। एसी के किस तरीके से काम करेगा, ये इसका कंट्रोलर है। ये एसी हैं, ये मिनी मॉडल है, ये एक्सल में तो मिनी है लेकिन ये एक्चुअल में बड़े होंगे। लेकिन अगर दिखाया हुआ है कि ऊपर के जो चेयर्स होंगे वो किस तरीके के होंगे, यहाँ पे देखें कि नेटवर्क का आपको इस तरह का बॉक्स मिलेगा जिसमें आपके सारी नेटवर्किंग की जितनी भी वाईफाई थी, जो राउटर्स होंगे और जितनी भी चीज़ें होंगी वो इस तरह के आपको हर अपार्टमेंट में हर जगह इस तरह का मिलेगा। ये देखें ये सोलर पैनल्स हैं, ये सोलर पैनल्स जो होंगे वो कंबाइंड होंगे, शेयर्ड होंगे, सबके लिए शेयर्ड होंगे। उसके अंदर ये कि आपका बिजली का बिल जो है कम आएगा, आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट बचेगी। सोलर पैनल्स कोई भी नहीं देता, सोलर पैनल्स किसी भी डेवलपर के मैंने आज तक देखे कि उसने सोलर पैनल्स दिए और वो भी शेयर्ड हो। ये सिक्योरिटी सिस्टम आपको बता दिया है। ये जैसे वॉशरूम, वॉशरूम में आपकी क्वालिटी है, ये सबके लिए है। जितने भी जो विलास होंगे, जितने भी अपार्टमेंट्स होंगे, सबको ये वाली चीज़ मिलेगी। इनकी जितने भी जो ये सेफनन की ये यूज़ कर रहे हैं, ये आई थिंक इनका ये सिर्फ एक ये थ्रू वेंडर के आते हैं। हाँ, थ्रू वेंडर्स आते हैं, सिर्फ ये एक इनके थ्रू वेंडर्स हैं, बाकी ये दीज टाइल्स एंड दीज मटेरियल्स वे खुद पर आते हैं, खुद बनाते हैं। ये सब कमोड्स वगैरह खुद बनाते हैं। सिर्फ ये वाली जो क्वालिटी है ये लोग इस पे कहूँ जो है वो किसी स्पेशल इटालियन ब्रांड है, इटालियन ब्रांड है उसकी है। ये भी देखें आप सारी जितनी पाइप्स हैं, ये पीवीसी पाइप्स हैं, ये सारी जितनी भी पाइप्स हैं, ये सारी जो है वो ऑयल एंटी ऑयल ऑक्सीडेंट्स होती हैं, कि इसमें ऑयल जमेगा नहीं, कि अगर इन केस चला भी जाता है तो भी नहीं जमेगा। और इसमें कोई स्पेशल नहीं है, राना बताएंगे आपको किसके लिए। ये गर्ब्रिट की क्वालिटी है, गर्ब्रिट इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन व्हेन इट कम्स टू लीकेज प्रोटेक्शन। एंड व्हाट अबाउट दिस, ये टेंपरेचर उसके हाँ, ये वाटर गीजर, वाटर हीटर हम देते हैं, बाय डिफॉल्ट देते ही है। वाइट गुड्स तो हम सारी दे ही रहे हैं अपार्टमेंट्स के अंदर, हाँ हीटर वगैरह सारा कुछ लगाया हुआ दे रहे हैं। पहले कंक्रीट वॉल है, इसके बाद में ये जो टाइल के नीचे लोग यूज़ कर रहे हैं, जिससे आपको बताया ना कि इससे बचती नहीं है, तो ये भी इस पर काफ़ी अच्छी लाइफ लंबी रहती है। अब हम चलेंगे किचन की तरफ। अब हम चलते हैं किचन की तरफ। चिकन सॉल्यूशन में हम आपको दिखाते हैं, अगर आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ से आपको नजर आएगा। ये दिस इज फ्रिज, ये आपको फ्रिज है, ये यहाँ से इस तरीके से ये सब चीज़ें सीमेंस की हैं, सीमेंस की ही तरफ से आपको ये इंस्टॉल्ड मिली है सर। ये आपका फायर एक्सटिंग्विशर है, ये आपका गैस मीटर है, ये आपसे सारी चीज़ें हैं फायर ब्लैंकेट, अगर इनकेस खुदा ना खास्ता अगर आग लग जाती है तो उसके लिए ये इनकी कैबिनेट्स हैं, इनकी शेल्फ्स हैं। ये डिश वॉशर है सीमेंस का, डिश वॉशर भी दे रहे हैं साथ में, और ये स्टोव है, ओवन है नीचे, नीचे ओवन है, ये वॉशिंग एरिया है, वॉशिंग एरिया के अंदर ये वॉशिंग डिशेज हैं वहाँ पे हैं, और वहाँ से यहाँ पे डिश वॉशर है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये आपकी कपबोर्ड है, कपबोर्ड जो है हम आपकी आपके कॉमन आपके इंटरनल डोर्स हैं सारे, जो आपके रूम्स और आपके लाउंज के बीच का जो डोर होगा वो देखेंगे जो थिकनेस है वो कितनी 55 mm। हाँ जी 55 mm इसकी थिकनेस है, ठीक है। और ये देखें इसकी पॉलिश, अगर आप करीब से दिखा सकते हैं मुझे, ये देखें ये इनकी इसकी पॉलिश देखें, और इसका ब्रांड देखें, ये ब्रांड बहुत सॉफ्ट है। अगर मैं इसको बहुत ही ओके अगर मैं इसको बहुत तेज़ी से बंद करता हूँ, जोर से बंद कर दें कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको जोर से भी बंद करता हूँ
तो कितनी सॉफ्टनेस आवाज होने का इसके अंदर, क्योंकि यानी कि मटेरियल है ना, वो मटेरियल पे फोकस करते हैं कि क्वालिटी जो है वो बेस्ट होनी चाहिए। और ये देखिए इसको जो तो अलग से भी क्या हुआ साउंड को आपको और की अब हम आगे से नहीं रहा है। दिस इज ऑल पार्ट्स ऑफ दिस विंडो एनीथिंग वंस यू क्लोज। ये मैं आपको दिखा दूँ, ये जैसे ये पार्ट हैं सारे इस डोर, इस विंडो के। और ये विंडो जो है ये बिल्कुल साउंड प्रूफ विंडो है। ये देखिए ये बहुत ही हैवी है लेकिन बहुत सॉफ्ट है। मैंने बहुत ज़ोर से बंद किया है लेकिन कितनी सॉफ्ट, ऐसे आवाज़ बिल्कुल भी नहीं। और ये साउंड प्रूफ विंडोज हैं और इनकी लाइफ टाइम वारंटी है। ये इस तरह के डोर्स आपको मिलेंगे जो जो आपके बाहर से जो एरिया है उसको उससे अंदर रखते हैं। ये वो ब्रांड्स हैं जो यूज होते हैं क्रिएटिव प्रोसेस, जिस तरीके से सारा इनका प्रोसेस है ए बी डेवलपिंग फाइन डिटेलिंग, ये सारे वो ब्रांड्स हैं जो यूज होते हैं इनके मटेरियल्स के अंदर। ये सब इनके वेंडर्स हैं, बट ये फॉरवर्ड वेंडर्स भी हैं कुछ और कुछ जो है वो बैकवर्ड वेंडर्स भी हैं। 100% फॉरवर्ड इंटीग्रेशन नहीं है, कुछ चीज़ें ये लोग अपने वेंडर से लेते हैं जो स्पेशलाइज चीज़ें होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं ये बाहर से लेते हैं। अच्छा ये ट्रांसफर हाउ टू कॉलेज ये सब इनकी देखें, हम सिर्फ जो स्ट्रक्चरल चीज़ें हैं वो सब खुद करते हैं, ऊपर की जो फर्निशिंग की चीज़ें वो ले सकते हैं। मॉनिटर ये सब साइड क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, ये इनकी जो मीनर साहब हैं जो सीईओ साहब हैं वो खुद जो है वो उसको इंस्पेक्ट करते हैं, एवरी जो इनकी अपार्टमेंट्स होते हैं इनकी चीज़ें होती हैं वो सब खुद जाके इंस्पेक्ट करते हैं। देखो ये वो टूल्स हैं जो टूल्स यूज होते हैं ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, ये सारे वो टूल्स हैं। अगर आप आना भी चाहें विजिट करना चाहें तो विजिट भी कर सकते हैं, ये सारे वो टूल्स हैं जो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन के वर्कर्स यूज करते हैं। ओके दिस इज द लास्ट इन द फाइनल स्टेज, ये वो जगह है जहाँ पे ये लिफ्ट एरिया है, जो अपार्टमेंट्स का लिफ्ट एरिया है वो इस तरीके से है। और अब जो न्यू जो लिफ्ट एरिया जो आ रहे हैं वो इससे बहुत बेहतर है। ये वो लिफ्ट एरिया जो मैं सबसे इस वक्त थोड़ी देर से पहले जो मैंने अपार्टमेंट जिले पर थे ये उसका बिल्कुल ऐसे ही लिफ्ट एरिया होगा। ये देखिए आप ये अगर आपको नजर आ रहा इसकी जो मजबूत जो डोर की क्वालिटी है वो भी आप देखिए बहुत अच्छी डोर की क्वालिटी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शोभा हार्टसाइड मॉडल बना हुआ है इनके लाउंज में सेम प्लेस पे है, और मैं आपको दिखाता हूँ जो पीछे वाली साइड से आ रहा है। तो ये 310 ये वाली जो बिल्डिंग है ये 310 बिल्डिंग सबसे पहले लॉन्च की थी हमारी यहाँ थोड़ा सा बैकग्राउंड, ये वाली जो बिल्डिंग है ये सबसे पहले लॉन्च हुई थी, इसका नाम है 310। ये 310 है ये लॉन्च हो चुकी है, ये 320 है ये भी लॉन्च हो चुकी है, ये 340 है ये भी लॉन्च हो चुकी है, और जो ये वाली बिल्डिंग है 340 जो 340 है 340 350 360 ये वाली बिल्डिंग अभी लॉन्च हुई है। इसके अंदर आपको अपार्टमेंट्स मिल जाएंगे, ये देखें आप इसके कितने फ्लोर्स हैं, 45 फ्लोर्स इसके 45 फ्लोर्स हैं। कम्युनिटी में आपको आगे इसकी फ्रंट से दिखाता हूँ। अच्छा ये वाला रोड कौन सा रोड है, ये पीछे अल मैदान स्ट्रीट है, इसकी कम्युनिटी आप देखें बिल्कुल फ्रंट से आगे सामने स्विमिंग पूल है। ओके तो मैं ये आपको बैक साइड से दिखा रहा हूँ, देखें ये वाली बिल्डिंग है, ये वाली वो सारी बिल्डिंग्स हैं, सारे प्रोजेक्ट्स हैं, ये सब कम्युनिटीज़ हैं। इन सब कम्युनिटीज़ की जो ये देखें आप ये जो लगू ये जो आगे वाटर फ्रंट है इसका, ये सारे पूल हैं या वाटर फ्रंट है, ये लगून है और ऊपर से पूल्स हैं, वो पूल्स आप देख रहे होंगे ऊपर हैं, ये वाले पूल्स हैं, ये लगून है
इस सारे लंबा सा ये लगून है और ये इसमें आपको एडवेंचर एक्टिविटीज़ मिलेंगी। इसमें आपको देखें, आप देख रहे होंगे कि इट्स काइंड ऑफ अ बीच। ये लगूनस जो होते हैं ये आर्टिफिशियल मैन मेड जो सी फ्रंट होते हैं और इसमें जो है वो जो इसका जो पानी है वो हमेशा ब्लू रहता है क्योंकि इसमें नैनो टेक्नोलॉजी क्लीनिंग वाटर यूज़ की जाती है और ये वो पानी होता है जो ड्रिंकेबल पानी होता है। ये ड्रिंकेबल वाटर है यानी इसको ये इतना फिल्टर करते हैं, इतना साफ करते हैं कि इसका जो पानी है वो हमेशा से ही जो ड्रिंकेबल रहता है यानी उसके अंदर आप उस पानी को पी सकते हैं और बहुत साफ क्रिस्टल क्लियर रहता है। इन जो अपार्टमेंट्स हैं इनका जो कम्युनिटी, ये जो देख रहे हैं आपकी शॉपिंग मॉल है, मैं आपको थोड़ा सा इसको बैक करके पीछे से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये शॉपिंग मॉल होगा, इसके सामने शोभा का ऑफिस बनेगा और ये सारे प्रोजेक्ट हैं। ये दो बिल्डिंग्स जो आप लास्ट में देख रहे हैं ना, ये अभी लॉन्च नहीं हुई हैं। ये क्योंकि लॉन्च इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये नहीं पता कि इसको रेजिडेंशियल बनाना है या होटल्स बनाना है, तो फिलहाल ये लॉन्च नहीं हुई है। इसका जो फ्रंट पड़ेगा, फ्रंट आप देखें, ये इसका क्लब हाउस है। जो अपार्टमेंट्स हैं उनका क्लब हाउस ये है और ये विलास हैं, ये स्कूल है जो कि आईवी लीग स्कूल है, वर्ल्ड के बेस्ट कॉलेजेस के साथ एफिलिएटेड है। जो बच्चे यहाँ पढ़ेंगे वो वर्ल्ड के बेस्ट उसमें जाएंगे, प्लस जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनको उसमें 30% डिस्काउंट मिलता है। अच्छा, यानी कि जो यहाँ के रेजिडेंट होगा उसको 30% डिस्काउंट मिलेगा। मैं आपको वैभव को भी दिखा देता हूँ, ये देखिए ये वैभव। इसके अंदर बच्चों की स्कूल फीस जो है वो वैसे ही काफ़ी ज़्यादा रहती है और इस तरह के हार्डली इंटरनेशनल जैसे स्कूल्स में एडमिशन मिलना ही बहुत मुश्किल होता है। 100,000-150,000 के आसपास नॉर्मली फीस रहती है स्कूल्स, उसके ऊपर 30% डिस्काउंट है अगर आप रेजिडेंट हैं इस कम्युनिटी के, आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है। प्लस आईवी लीग स्कूल वैसे भी इस तरह के स्कूल्स हैं ही नहीं दुबई के अंदर, जहाँ अगर बच्चा पढ़ रहा है तो वो सिर्फ दुनिया की टॉप कॉलेजेस में ही आगे जाएगा, कहीं जाएगा। सही सही, थैंक यू वैभव, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की जो वीडियो है, जो मैंने आपको आज का जो मैंने आपको विजिट करवाया शोभा का, वो आपको पसंद आया होगा। मैंने आपको अंदर के सारे जो उनकी किस तरीके क्या मटेरियल यूज़ करते हैं, किस तरीके से ये अपनी बिल्डिंग्स बनाते हैं, ये आपको अच्छा लगा होगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शोभा मैदान, शोभा मैदान का बेसिकली ये एरिया है और इसके अंदर जो कम्युनिटी है वो है शोभा हार्टलैंड। तो ये शोभा हार्टलैंड 1 है और शोभा हार्टलैंड 2 जो है उसके अंदर ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है। जो मैंने आपको अभी अंदर इसका मॉडल दिखाया है वो शोभा हार्टलैंड 2 है। इसकी बहुत सारी डिटेल है वो मगर पूरी वीडियो में नहीं दी जा सकती, तो इसलिए आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। मेरा नंबर जो आप चैनल का नंबर वो आप देख लीजिएगा, नंबर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे उस पर कॉन्टैक्ट करें तो मैं आपको इसकी सारी डिटेल्स भेज दूँगा। इसका ब्रोशर्स है मेरे पास, इसकी वीडियोज़ हैं। अगर आप विज़िट करना चाहते हैं हमारे सेल्स प्रोविजन ऑफिस तो आप तो उसके लिए भी मुझसे कॉन्टैक्ट करें और आके मैं आपको इसका विज़िट अरेंज करूँगा और हम यहाँ पर आकर अच्छी तरीके से इसको समझ सकेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अभी मेरी मुलाकात आई गेस आप लोगों से नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट आ रहा है, जो मैंने अभी प्लान किया हुआ है वो देखें कौन सा होता है, लेकिन मेरे जो अभी दिमाग में चल रहा है वो मैं इलिंगटन जाऊं, क्योंकि इलिंगटन जो है ना वो इस वक्त इलिंगटन शोभा ये इस वक्त दुबई के बेस्ट होम्स प्रोवाइडर हैं और ये ऑन टाइम, बल्कि ऑन टाइम भी नहीं, टाइम से पहले डिलीवर करते हैं। तो ईमार, शोभा, इलिंगटन ये तीनों जितने भी डेवलपर्स हैं ये सब बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, क्वालिटी पे फोकस करते हैं और हमेशा ऑन टाइम। तो इनके इनके हमेशा जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इनकी हमेशा इनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो ऊपर ही जाती है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, आप लोगों से मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे। थैंक यू।